वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दो दिन पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया, जिसका अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान हाथ में हथियार पकड़े इधर उधर भागकर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। वहीं नक्सलियों ने जवानों पर BGL दागे, जिसमें एक जवान बाल बाल बचा। दरअसल नक्सलियों ने अबुज माड़ के इकर भट्टी पुलिस कैंप पर हमला किया था। यह कैंप कुछ दिन पहले ही खोला गया है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले शाम के वक्त नक्सलियों ने कैंप पर अचानक हमला कर दिया था। वहीं जंगल की तरफ से चार देशी BGL दागे थे, इसके अलावा फायरिंग भी की थी। अभी यह मुद्दा जो है आपके द्वारा बताया गया है तो संज्ञान में आया है, परंतु कुछ दिवस पूर्व, लगभग 4-5 दिवस पूर्व, सचिव द्वारा उक्त निर्माण कार्य, जो भी नाली के निर्माण कार्य है, उसके द्वितीय किस्त का सेकंड किस्त की जांच, वो मांग पत्र भेजने हेतु, जिले में भेजने हेतु फाइल आई हुई है, परंतु अभी भेजा नहीं गया है। और अभी मुद्दा संज्ञान में आने के पश्चात निश्चित रूप से उसकी पूर्णतः जांच करने के बाद ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या उसका मूल्यांकन हुआ है? हाँ, मूल्यांकन होकर के द्वितीय किस्त की मांग हेतु मांग पत्र आया है, पंचायत से आया है। नहीं, मनरेगा में तो मजदूरी के आधार पर ही भुगतान होता है, जो उनकी अटेंडेंस होती है और उनके थंब से अटेंडेंस लगाई जाती है, मौके पर उनकी उपस्थिति ली जाती है, उसी के आधार पर होता है। वो कोई टेक्निकल प्रोसेस है उसमें इस प्रकार की प्रोसेस नहीं की जा सकती, अन्यथा वो उपस्थिति ही नहीं लगती है। हमारे ये ग्राम पंचायत उनाजी ताल का ग्राम है, बरखेड़ा ताल, एक ये अनुसूचित जाति बस्ती है जो लगभग 40 साल पहले बसी हुई थी, और यहाँ लगभग 35-40 परिवार रहते हैं। यहाँ पे लगभग केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, यहाँ पे लगभग कार्य होने थी, टोटल विकास कार्य होने थी कि ये शीशी है, नाली है, सड़क, बिजली, पानी, सभी सुविधाएं इस गांव को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलना थी। और लगभग यहाँ के लिए 40 लाख के आसपास राशि भी स्वीकृत हुई, और जिसके तहत ये सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कें बनी, ये अभी एक महीने पहले सड़कें बनी हैं लगभग इस कॉलोनी के अंदर। बेस पहले से ऑलरेडी डला हुआ था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत, लेकिन ये एक महीने के अंदर आप देखेंगे एक इंची सड़क डली हुई है, पूरी मिट्टी और उसकी घटिया कोपरा के तहत डाली गई है, जो एक महीने के अंदर ही उखड़ गई है। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल धूल उड़ती नजर आएगी। तो लगभग शासन की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा तो ये है कि प्रधानमंत्री जो ग्राम आदर्श ग्राम के तहत है, अनुसूचित जाति बस्ती है, उसका भला करा जाए, वहाँ के लोगों का भला करा जाए, वहाँ मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ, लेकिन कुछ लोगों को देखो आप जिम्मेदार, यहाँ के ऐसी इस अच्छी इतनी अच्छी योजना को पलीता लगाते आ रहे हैं। और हमारे जो भाई हैं, इससे कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 50 सालों से उन्हें कोई रोड नहीं था। ये सड़क की बात तुम कर रहे हो, वो एक माह नहीं, उसको करीब विधानसभा चुनाव के पहले बनी थी, वो जिस समय वो जो सब इंजीनियर थी, वो क्या नाम, नेहा जाटव थी, उसके समय वो बनाई गई थी, इतना हमें उसकी जानकारी है। हमारी वो डिलीवरी अब डेट हमें इतना याद नहीं है, हाँ 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के, हाँ हुआ ना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ रीजन हो सकता है कि तराई राई ना हुई हो, पर वो हमारे समय का काम नहीं है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं बता सकते। ये रोड का मामला है, ये रोड एक महीना पहले डला हुआ है और वो तो सब बेकार हुआ, मट्टी और वो मिलाई है कोपरा टाइप का, वो सब सीसी पड़ गई, वह तो बेकार हो गई, और अभी बरसात में बच्चे निकलेंगे तो उसमें खचेंगे, और कुटी भी नहीं मिली यहाँ, और लेटरिंग है जो भी पहले जो आ गई है पहली पंचायत में, मतलब अब कुछ भी नहीं आया। ये समस्या है ना, कुटी मिली हमें, कोई लाभ नहीं है जहाँ पर, और जहाँ पर रोड डरवाओ तो वो भी खुद गया, कोई लाभ ही नहीं है। और हमारे मंदिर के यहाँ खुदवादा RCC करवा भी कह के उसकी उठा के कोई मरम्मत ही नहीं है, इसके बाद में तेरी मेरी कुटी बन भी तैयार है, अध बना मकान रहेगा साहब, बाप बलग गई स्टे, हमारे मोड़ा ने कुछ भी नहीं किया, और हमारे मोड़ा की थाने में रिपोर्ट भी कर दे।